आईपीओ क्या होता है, आईपीओ इन्वेस्टिंग क्या होती है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज एन आईपीओ? आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को बेचती है। सिंपल वर्ड्स में, जब एक कंपनी को अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो अपने ओनरशिप का एक हिस्सा मार्केट में लोगों को बेचते हैं। जब आप उस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। FY 2023 के 164 आईपीओस के कंपैरिजन में FY 24 saw 272 आईपीओस, which is a 66% increase। साथ ही रेज्ड अमाउंट में भी 24% का ग्रोथ देखने को मिला। जो FY 23 में अराउंड 55,000 करोड़ था, वो FY 24 में अराउंड 68,000 करोड़ हो गया है। लेकिन आईपीओ इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदा ही देगी ऐसा जरूरी नहीं है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने का फायदा होता है कि अगर कंपनी सक्सेसफुल हो गई तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही रिस्क भी होता है क्योंकि एक न्यू स्टॉक को जज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर मुद्दे की कि क्या आईपीओ से शॉर्ट टर्म गेन्स हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आईपीओ लॉन्च होने के बाद पहले दिन या पहले कुछ महीनों में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दे चुकी हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म गेन्स हर बार नहीं मिलते। नाउ आईपीओ इन्वेस्टमेंट में ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। पहला चैलेंज ये है कि आईपीओ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जिसे सब्सक्रिप्शन के बाद सबको शेयर्स मिलने की गारंटी नहीं होती। आपको पता ही होगा कि कभी कभी आईपीओ इतना ओवरसब्सक्राइब होता है कि आप अप्लाई करते हैं पर अलॉटमेंट ही नहीं मिलती। दूसरा चैलेंज ये है कि न्यू स्टॉक्स का वैल्यूएशन समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। जब एक स्टॉक मार्केट में पहली बार आता है तो उसके ऊपर पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में टाइम लगता है। आपको एक अच्छी कंपनी और एक हाइप बेस्ड कंपनी के बीच का डिफरेंस समझना पड़ता है। बट क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका जवाब है, इट डिपेंड्स। आपको अपनी रिसर्च करनी होगी, कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिस्क फैक्टर्स जरूर समझने चाहिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आईपीओ एक अच्छा तरीका हो सकता है किसी ग्रोइंग कंपनी में हिस्सा लेने का। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करें, तो ये करना तो बहुत इजी हो गया है। इनफैक्ट आप अपने फोन से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय एक्सप्लोरिंग द आईएनडी मनी ऐप। इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आईएनडी मनी ऐप पर लॉगिन करने के बाद आपको अपने आईएनडी स्टॉक डैशबोर्ड पर ऊपर ही आईपीओ का सेक्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके आप सारे लाइव, अपकमिंग एंड क्लोज्ड आईपीओस को ट्रैक कर पाएंगे। कंपनी नेम्स के साथ साथ आपको उनका पर शेयर प्राइस, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट और अप्लाई करने की डेट्स भी दिखेंगी। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए आप कंपनी नेम पर क्लिक करके उनकी डिटेल्स एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि इशू साइज, प्रमोटर डिटेल्स, कंपनी इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा। वंस यू हैव मेड अ डिसीजन, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके लॉट साइज एंटर करें। नीचे दिए गए सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें एंड अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपनी UPI ID कंफर्म करें और अपनी बैंक पेमेंट प्रोवाइडर ऐप पर जाकर मैंडेट रिक्वेस्ट को कंप्लीट करें सो दैट योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड। आप अपने ऑर्डर आईपीओ डैशबोर्ड पर ही ऑर्डर्स पर ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको एक आईपीओ अलॉट हो जाता है, देन इट विल अपीयर अंडर द माय आईपीओ सेक्शन ऑफ द सेम डैशबोर्ड एंड आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। आईपीओ एक एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन सिर्फ हाइप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। रिसर्च करो, मार्केट को समझो और फिर डिसाइड करो अगर आईपीओ आपके लिए एक सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है कि नहीं। अगर आप नए हो तो स्टार्टिंग स्मॉल से भी कर सकते हो। आईपीओस में इन्वेस्ट करना आसान है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सबसे जरूरी है। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.